Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, welcome to the class of Shiksha. In today's class, we will talk about chapter linear inequalities. This chapter ko hum start karenge and jaise ki main aapko batata hu ki aapko kaun se topic chapter ke under cover karne hai, to first of all hum topic par nazar aate hain. Student, jo topics hain, the following topics we will cover in this chapter, and these are the introduction to the inequality. Ek inequality kya hoti hai, kis tarah se use likhte hain, mathematics mein kya hoti hai wo hum dekhenge. And then iske baad student notation for the inequality. Ek inequality ko kis tarah se likhenge, kaun se symbols ka use karenge, wo hum yahan par dekhenge. Next will be the solution and the solutions. सॉल्यूशन क्या होता है एक इनइक्वालिटी का और सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं इनइक्वालिटी का वो हम देखेंगे. एंड नेक्स्ट विल बी द रूल्स टू सॉल्व द इनइक्वालिटी. जब आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. तो वो रूल्स हम देखेंगे, रूल्स को किस तरह से अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा. एंड नेक्स्ट विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वैल्यू. लीनियर इनइक्वालिटी यहां पर हम वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल इस दो पड़े. अब हमने सॉल्यूशन तो निकाला बट अब ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर. लेकिन किसके लिए? वन वेरिएबल के लिए. और ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको जब निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, जब टू वेरिएबल्स के अंदर हो तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको बताना है. नाउ स्टूडेंट, ये टॉपिक हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा इंट्रोडक्शन टू द इनइक्वालिटी.